नहीं बने, मेरे आप में और डाउन में उसी ने बनाया, मैं अपने से नहीं बने। मैं अपने नाम बताना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुभद्रा देवी, घर पड़ती है विक्रमशिला भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। इस बिजनेस से आने से पहले मैं घर का काम करती थी और उसका साथ साथ मैं सब्जी का खेती भी करती थी। सब्जी का खेती 2.5-3 बीघा सब्जी, करेला, कद्दू, बैगन, मिर्चाएं, नेनुआ, झिंगली, हर चीज का सब्जी करती थी। सब्जी का खेती ठीक ठाक चली जाती है, जो कि 1000-1500 रोज आमदनी होते हैं। मगर आमदनी तो होते हैं, मगर परेशानी बहुत ज्यादा होता है। अगर 150 साड़ी जो लाए वो पिन्हना मुश्किल वाला बात है, जो कि कदार खेत भादो में नम फरता है झड़ी में, जौन साड़ी पुराना था उसी साड़ी पहन कर मैं खेत में ढूंढते हैं। माथा में भरी माथा करेला का पत्ता, साड़ी में कादा, 150 का साड़ी पिन्ना मुश्किल। उस साड़ी वास्ते इंतजार करते हैं कि कब काली पूजा, कब दुर्गा पूजा आएगा, तो साड़ी पहन कर मैं काली पूजा देखने के जाते हैं। मगर इस बिजनेस में दोस्त मैं जो आए हैं, रोज काली पूजा, रोज दुर्गा पूजा होते हैं। मैं इंतजार नहीं करते हैं, मेरे 15 दिन में साड़ी अब 15 दिन में चप्पल भी खिया जाता है, टूट फाट कर भाग जाता है चप्पल। इसलिए मैं दीदी जो बना बहुत मुश्किल वाला बात से, जो कि पहले आप लोग जो आए हैं बिजनेस को देखने के लिए, हम भी आए हैं इस बिजनेस को देखने। मेरा दामाद इस बिजनेस में बड़ा वाला नाना, और बिजनेस को देखे समझे मैं कुछ नहीं समझ पाए। इसलिए मैं अंगूठा छापूं, मेरे पति भी अंगूठा छापूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं और मैं बिजनेस को कुछ नहीं समझे। मैं आगे उस कुर्सी पर बैठ कर देख रहे हैं, मेरा नींद लग जाता है। इसलिए कि मैं बोर्ड का नजर नहीं था, इसलिए हम उस बिजनेस को नहीं समझ पाए। दोनों पैर ऊपर में चढ़ा कर बैठे, और बैठने के बाद मेरा जो मूर्खा सर है जनार्दन सर, उसी का क्लास था, और उस क्लास ने कहा कि और मैं बताया कि पिछले महीना पहला पीडी आया, सीडी आया, एसडी आया, आरडी आया, तो बोला नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फलना, मेरा पिछले महीना का चेक 2000। दूसरा आया ईडी पोस्ट में, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फलना कुमार, मेरा चेक है 3000। कोई बताया एसडी वाला, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फलना, जो कि पिछले महीने का मेरा इनकम 5000। दूसरा आया कौन उसी हॉल में आरडी, आरडी जो आया उस समय में 2 आरडी था, एक राजू राजेश मोदी, एक जनार्दन सर। तो कुछ काम करने के लिए राजेश मोदी नहीं था, तो उसी आदमी जो कि क्लास देता उसी आदमी खड़ा हुआ कि बोला नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जनार्दन गुप्ता और मैं रहने वाला इंग्लिश खानपुर, मेरा पिछले मंथ का मेरा इनकम 64000 ने 72000 और कितने रुपया बताएं, इस बात को भूल गए, इतना रुपया बताएं। मगर इसी बात पे मैं सोच लिया कि मेरे गांव में डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, ओवरसियर है, कोई आदमी 72000
जाता है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार तक कमाया। और इस आदमी जो बताया कि 72 हजार, मैं उसी वक्त में सोच लिए कि इस आदमी जो बताया, सभी बताया जो कि झूठ बोलने का लिए कम कम पैसा दिया, और इस आदमी जो बोला तीसरा क्लास तीनों फेल 72 हजार, इसलिए बताया कि मोटा ताजा आदमी है कि तुम ज्यादा पढ़िएगा झूठ तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए हम जखनी है मैं इस समझ नहीं पता कि यहाँ पर फंसाने वाला आदमी है, झूठ बोल बोल कर फंसाता है। अगर फिर भी मैं दामाद के बात पर, मैं तो निगेटिव हो गया, मतलब मेरा दामाद को विश्वास पर मैं इस काम को बिजनेस के लिए कि बोला मम्मी कि इस काम बढ़ा भी काम कर, मेरा जो अप्रोच करा है बोले कि मम्मी जी पढ़ा भी काम करते हैं मूर्खा भी काम करते हैं। फिर बोला कि पढ़ा आदमी को कोई बढ़िया काम मिलता है, मूर्खा आदमी कौन काम करे, इतना से अच्छा हमारा बढ़िया यहीं पर 1000-1200-1500 टका हो जाए हम वहाँ पर नहीं जाए। कहते मम्मी जी एक बार ये परेशानी दूर हो जाए तो एक बार जाके देखी वो, अगर नहीं काम पसंद कर दे तो चला भी पैसा घुराए का, और जो काम पसंद हो जाते हैं तो कम से कम 8 रोज हम एक रोज जाना चाहिए, इसका बाद कद्दू करेला सब तोड़ना बेचना चाहिए। पर विश्वास पर हम यहाँ पर आए कर काम देखे, अब काम देखने के बाद कुछ कुछ बोर्ड पर मैं समझ नहीं सका, फिर भी सोचे कि चलिए झूठ बोला कि सही बोला उसका कोई मतलब नहीं है। 6000 टका लगा कर, 7000 टका लगा कर मैं करोड़पति खपति नहीं बन सकते, 7000 टका बचा कर मैं लाखपति भी नहीं बनते। मैं सोच लिया जखनिए कि चलिए, मैं सोच लिया जखनिए कि चलिए जानेंगे कि सभी को पति दारू पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, जुआ खेलता है। मेरे पति नहीं दारू पीता है, नहीं ताड़ी पीता है, नहीं बीड़ी सिगरेट, नहीं मांस मछली। मैं एक लेडीज जाकर सोच लिए कि हम एक कप जुआ खेल जाएंगे। मैं काम कहीं का पैसा नहीं लगाया, और जो लगाया अपने विश्वास पर कि जुआ खेल रहे हैं। दूसरा बात और क्या सोच कर लगाए कि मैं जो तबीयत खराब हो गई है इसके लिए हम डॉक्टर के देते हैं बच्चा बुतरू के अपने भी बारे में, इसी बात सोच कर मैं सोच रहे कि डॉक्टर का पैसा दे दिए, मगर काम कहीं का पैसा इस ग्लोबल में नहीं लगाए। दोस्त लगाने के बाद उसका काम को मैं स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद कंपनी के सिस्टम से मैं फिर उस 5 दिन के अंदर में क्लास लिया। क्लास लेने के बाद फिर मैं 4 दोस्तों को दिखाए, दोस्त ने अपने परिवार को दिखाए, 4 में 4 लाया, 4 डायरेक्ट काम शुरू कर दिया। काम स्टार्ट करने के 4 शुरू कर दिया। सारों शुरू करने के बाद उस आदमी मेरा पिछले महीना का चेक जो बना, उस महीना तो नहीं पिछले महीना का चेक मेरा 1600 बना। उस चारों लड़का काम करना स्टार्ट कर दिया, लेडीज भी था, हम भी फिर से मारे 12 डायरेक्ट उसी महीना में। दूसरा महीना में मारे 12 डायरेक्ट, और 12 डायरेक्ट मार कर फिर डाउनलाइन के उपचार ने काम किया, मैं ईडी बने जो कि मेरा चेक 1600 से 6000 हो गया। अब उस चेक ने कामयाबी को पा रहा है, मगर कि वहाँ आदमी विश्वास नहीं करता है, घर में आदमी नहीं कोई विश्वास करता है कि चेक मिलता इतना जल्दी, इसलिए विश्वास नहीं करते हैं। मेरे गांव में कितना शिक्षा मित्र, कम से कम 5-6 आदमी शिक्षा मित्र में गया, तो 1600 का महीना दिया, अब मेरा 1600 से इकट्ठे 6000 हो गया। वो आदमी विश्वास नहीं किया, नहीं विश्वास करने के बाद मैं उस विश्वास करे या नहीं करे हम काम को स्टार्ट करिए रखते हैं।
तरह तरह का आदमी बहुत गंदा गंदा बात बोलता है। आए जी फलमा के बेटा, चिलमा के बेटा, फलमा के पति मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए पास, उस आदमी नौकरी और बिजनेस नहीं मिलता है। इस इलाका के लेडीज का बिजनेस मिला और नौकरी मिला, उस लेडीज ने बहुत खिलाफ खिल्ली उड़ाना से, फिर भी हम उस बिजनेस को मैं लिए अपने मन से, हम उसका बात पे नहीं चलते 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 मैं काम को फिर दूसरे ईडी बने। ईडी बनने के बाद एसडी बने, एसडी बनने के बाद काम, फिर मैं आरडी बने। मेरा चेक एसडी पर 15,000, आरडी जो बना 64,760 है। इस बिजनेस में मैं जो कमाए बहुत दूर तक अपने डिटेल अभी नहीं दिए, मैं घर कहाँ, नाम कहाँ, थोड़ा अपने नाम बता देते हैं। घर, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित्रा देवी, घर पड़ती है विक्रमशिला भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। इस बिजनेस से आने से पहले मैं घर का काम करती थी, साथ साथ सब्जी का खेती भी करती थी। इसी बीच जैसे कि आप लोग देखने और समझने का मौका मिला अपना दोस्त रिश्ते के साथ, मेरा भी मौका मिला अपना जमाई बबलू जी के साथ, मैं भी सारे सेशन को देखे। फर्क इतने की कोई आदमी 6 महीना, कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल पीछे आया, मैं इस बिजनेस 2600 इस बात खुश होकर मैं धन्यवाद देना चाहता अपना जमाई बबलू जी का और ग्लोबल कोलोबेटर को, जो कि उनका छा लगाने, महिला आगे बढ़ने, कमाने का सोर्स दिया। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक जो 6.5 साल के दरमियान में जो कमाए 1 करोड़ रुपया, उस कमाई से मैं 16 कोठली मकान भी बनाए, एक लड़की का शादी भी किए, 2 बाइक भी खरीदे, 4 चक्का खरीदने के चाहते हैं, बस कंपनी में 2 साल पीछे 4 चक्का भी गाड़ी मिल गया मिस्टर चेतन हुंडा की तरफ से। एक कंपनी का घड़ी 1600 से और एक घड़ी मिला सवोर का कॉलेज में। दूसरा प्राइज जो मिला मेरा दार्जिलिंग का टिकट, तीसरा प्राइज जो मिला मेरा 4 चक्के का गाड़ी स्पार्क गाड़ी भी मिला, चौथा गाड़ी जो चौथा प्राइज जो मिला हवाई जहाज का बैंकॉक का टिकट। दोस्त मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, हम आगे क्या बात करें, बहुत बात तो बहुत करें मत मगर की मैं हिंदी बोलने नहीं जानते हैं, मोबाइल लगाने भी नहीं जानते हैं, मैं एक अक्षर लिखने भी नहीं जानते हैं। मगर इस बिजनेस में मैं काम सेल आनना बहुत ज्यादा आनना, मैं 22 डायरेक्ट किया, मैं 500 डायरेक्ट भी मारा अपने डाउन लाइन में दिए, खाली गाड़ी पर कर, रेलगाड़ी पर कर।